शोषित पीड़ित और उपेक्षित सदियों तक अन्याय सहे, नारी जीवन तथा व्यथा की मौन रहे ना कुछ भी कहे, मैल धो रही तन के मन के निर्मल जल की धारा बहे, साहब कल 11 बजे आ जाइए, ठीक है? ओके। मिस्टर टंडन, नमस्ते। नमस्ते। थैंक यू। मैं सौदामिनी को बेटी बना रही हूं और मैं चाहती हूं कि इस रिश्ते में कोई भी अड़चन नहीं आए। आपने अडॉप्शन लॉज अच्छी तरह से पढ़ के तैयार कर लिए हैं? जी हाँ, मैंने सारे पेपर तैयार करवा लिए हैं, बस आपको साइन करने की जरूरत है। थैंक यू। मैं बहुत खुश हूं, अब मैं लीगली सौदामिनी की गार्डियन बन गई हूं और अब उसकी जिम्मेदारी मेरी। अब सौदामिनी आपके साथ रह सकती है। मिस्टर टंडन, मैं आपकी बहुत आभारी हूं। कोई ऐसी बात नहीं है, ये तो हमारा फर्स्ट था। थैंक यू सो मच। अच्छा नमस्ते। सौदामिनी हो ना? तुम सौदामिनी हो ना? कितना अजीब नाम है सौदामिनी, कितना लंबा भी है। तुम्हारे माँ बाप तुम्हें प्यार से क्या बुलाते हैं? मिनी? अरे तुम तो कुछ नहीं बोलती, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? नहीं ठीक है, तुम अकेले बोर नहीं हो जाती? अगर मेरी गुड़िया ना हो ना तो मैं बहुत अकेली हो जाती हूँ। तुम मेरी गुड़िया से दोस्ती करोगी? फिर आप तीनों मिलकर खेलेंगे। तुम्हें भूख लगी होगी ना? नहीं, लेकिन मेरी गुड़िया को भूख लगी है। तुम इसे रखो और मैं अपनी गुड़िया के लिए कुछ खाने को लाती हूँ। चंद्रिका जी ने तो मेरी अंधेरी जिंदगी में रोशनी दी है, वरना मेरी जिंदगी ही क्या थी। लो ये आ गए सौदामिनी, इनके लिए खाना लेके आ बेटी। ये क्या, सिर्फ चावल? अरे कम से कम साथ में कुछ दाल या सब्जी तो दो। आप नाराज क्यों होते हो जी? घर में ना दाल है ना दाल सब्जी खरीदने के पैसे। भगवान का ऐसा अरमान है कि आज चावल है, कल शायद वो भी नसीब में ना हो।
सुनिए, आज सुबह वो महाजन का मुनीम आया था, कह रहा था कि अगले हफ्ते तक सूद के पैसे नहीं लौटाए तो घर खाली करना पड़ेगा। घर में खाने के लिए अनाज का एक दाना नहीं है, सूद के पैसे कहां से लाके दूं उसे मैं? जी चाहता है कि रेल की पटरी पे जाके अपनी जान दे दूं। कल से सौदामिनी की तबीयत भी ठीक नहीं है, बहुत तेज बुखार है उसे। ये एक नई मुसीबत, एक तो बेकारी कंगाली, ऊपर से ये लड़की, जब से पैदा हुई है ना भूखे मरने के दिन आ गए हैं हमारे, न जाने कौन सी मनहूस घड़ी में पैदा हुई थी ये। इसे क्यों कोस रहे हो जी, इसमें इसका क्या दोष, हमारे भाग्य फूटे हुए हैं, हमारे साथ ये भी सब कुछ झेल रही है कि नहीं। सुनो जी, सौदामिनी अब बड़ी हो गई है, इसकी शादी के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं? तुम्हें क्या लगता है मुझे इस लड़के की कोई फिक्र नहीं? अरे आखिर बेटी है हमारी, मैंने तो वो हरिलाल से मिलकर लड़के के बारे में बात भी की थी, उन्होंने एक लड़का भी दिखाया था मुझे, लड़का बड़ा अच्छा था, सरकारी नौकरी भी है उसकी, मगर मगर दहेज मांग रहे हैं। कितना? 10,000 रुपए। 10,000? कुछ कम नहीं कर सकते? कम करके भी कितना करेंगे, 500, 1,000? और तुम तो जानती हो हमारे हालात कैसे हैं। देखो मुझे भूख नहीं है, ये सौदामिनी को खिला दो, मैं फिर से जाकर हरिलाल से बात करता हूं, दे दो उसे। देख उनकी बात का बुरा मत मानना, मेरे बापू है ना, क्या करे बेटी, हमारे हालात ही ऐसे हैं। खाली बेटी जगह है, मैं तुम्हें यहां से ले जाना चाहती हूँ, कोई अच्छी जगह लेके जाना चाहती हूँ जहां जहां कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा और तुम्हें किसी से भी डरना नहीं होगा, घबराना नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं करेगा, सच्ची कोई जबरदस्ती नहीं करेगा। मेरी भी एक बेटी है रचना, बिल्कुल तुम्हारी तरह है, तुमसे छोटी है, मैं समझ सकती हूँ कि तुम डर रही हो, लेकिन कोशिश करो और मुझ में विश्वास रखो, सौदामिनी मैं तुम्हारी माँ के बराबर हूँ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, चलो मेरे साथ, डरना नहीं, सब ठीक हो जाएगा, चलो उठो, शाबाश। सौदामिनी है ना, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई है। अच्छा? हाँ, अब तो मैं उसके साथ खेलूंगी और बाहर घूमने भी जाऊंगी।
आप मुझे रोकोगे तो नहीं ना? नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं रोकूंगी। लेकिन मम्मी, सौदामिनी इतना कम क्यों बोलती है, हमेशा चुप चुप रहती है। सौदामिनी ने बहुत बुरे दिन देखे, शायद वो 12 या 13 साल की होगी जब उसे अपने माँ बाप से अलग कर दिया गया। क्यों, उसके माँ बाप उसे प्यार नहीं करते थे? ऐसी बात नहीं है बेटा, कौन माँ बाप अपने बच्चों को प्यार नहीं करेंगे, लेकिन कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि इंसान चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। तो अब सौदामिनी का क्या होगा? वो हमारे साथ रहेगी, हम उसकी देखभाल करेंगे। मम्मी, लेकिन सौदामिनी तो इतनी बड़ी है, वो स्कूल कैसे जाएगी? क्यों नहीं जाएगी बेटा, तुम्हें तो बचपन से ही पढ़ाई लिखाई के लिए हर तरह की सुविधाएं मिली, लेकिन जिन लोगों को ये सुविधाएं नहीं मिलती है उनके लिए एडल्ट लिटरेसी क्लासेस होती है। हम सौदामिनी को वहां भेजेंगे ताकि वो नई सिरे से अपनी जिंदगी शुरू कर सके। मम्मी, लेकिन वो कपड़े कितने अजीब ढंग के पहनती है। बेटा वो गांव से आई है, वहां वैसे ही कपड़े पहनते हैं। ऐसे करते हैं कि कल हम लोग चलते हैं शॉपिंग, ठीक है ना? और तुम उसके लिए कोई अच्छे से स्मार्ट सलवार कमीज सूट कर लेना। मैं उसके लिए सलवार कमीज ढूंढूंगी। सौदामिनी, सौदामिनी, उठो सौदामिनी, सुबह हो गई, उठो। मुझे सोने दो। अरे सुबह के 9 बज गए, अभी नहीं सोगी क्या? रात को सोई नहीं? मैं तो सुबह ही सोती हूँ। उठो, चलो मम्मी बुला रही है, चलो। फिक्र मत कीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ऑफिस आ जाइए। हाँ हाँ ठीक है, ओके, फाइल ले आइएगा। ओके, थैंक यू। लीजिए मम्मी, आप सौदामिनी से बात कीजिए, मैं अभी आती हूँ। अरे सौदामिनी, 9 बज चुके हैं, तुम अभी भी नींद में हो? वो क्या है कि सालों से हमें सुबह में ही सोने की आदत है, रात को तो। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हें अभी भी नींद आ रही है तो जाके सो जाओ। एक्सक्यूज मी मैडम। मैडम मुझे वो एप्लीकेशन लेकर इलेक्ट्रिक हाउस जाना था। हाँ ठीक है, जाओ। पीयूष अंकल, आप तो मेरे साथ मैथ्स की बुक लेने चलने वाले थे। अरे जाएंगे बाबा, जाएंगे, जरूर जाएंगे। मैडम मैं इन्हें भी साथ लेते जाऊंगा। हाँ ठीक है, चलो। ओके चलो, बाय मम्मी, बाय। क्या हुआ तुम्हें, तुम यहाँ छुप क्यों गई हो? वो आपने, वो तो पीयूष है, मेरा सेक्रेटरी। मुझे देखो, तुम घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। आज के बाद तुम्हारे सामने कोई आदमी नहीं आएगा, ठीक है? घबराना नहीं। सौदामिनी कहाँ है आपको पता है? सौदामिनी वो तो अपने पति के घर। नाम क्या है पति का? जी वो ये बात है कि आप छुट्टन नाम के किसी आदमी को पहचानते हैं? हाँ बिल्कुल, अच्छी तरह पहचानता हूँ उसे मैं। छुट्टन ने तो सौदामिनी की शादी जो करवाई है, बड़ा अच्छा लड़का ढूंढा उसके लिए और शादी हो गई बस। आप जानते हैं छुट्टन का धंधा क्या है? वो भोली भाली लड़कियों को फुसला कर बाजार में ले जाकर बेचता है। नहीं नहीं, देखिए देखिए साहब, आपकी शायद कोई गलती हो रही है, ये झूठ है, ये ऐसा नहीं हो सकता।
अपनी लड़की उस दरिंदे के साथ भेजने के पहले आपने ये सोचा भी नहीं कि वो कौन है, उसका धंधा क्या है, कहां से आया है? ठीक है साहब, ऐसा है, छुट्टन बड़ा अच्छा आदमी था तो हमने सोचा जो कुछ भी कर रहा है अच्छे के लिए कर रहा होगा। शायद आप दोनों भी उस साजिश में शामिल हो। अजी कैसी साजिश साहब, कैसी साजिश? आपको जो भी कहना है पुलिस स्टेशन में आके कहिए। मगर पुलिस स्टेशन देखिए, मेरी बात सुनिए, वहां जाने की जरूरत नहीं। आप चलिए, आप चलिए, आप चलिए। अब बस भी कीजिए। अरे चंद्रिका, बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज छपी है। याद है वो स्कूल टीचर रामकृष्ण द्विवेदी, स्कूल की बच्चियों को ट्यूशन के बहाने घर पर बुलाकर उनके साथ अनैतिक व्यवहार करता था? रामकृष्ण द्विवेदी? हाँ, वही जिसे तुमने 12 साल की कैद दिलाई थी। हाँ हाँ हाँ, तो उसने जेल में आत्महत्या कर ली। ओह गॉड। तुमने उसी के बेटे की नौकरी के बारे में सिफारिश की थी ना? हाँ, अच्छा हुआ आपने मुझे याद दिला दिया। मैं आपसे बात करने ही वाली थी। आप उसे बिल्कुल नौकरी मत दीजिए, बल्कि हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। उसका नाम छुट्टन है और वो भेष बदल के और नाम बदल के लड़कियों को फांसता है और उनसे गलत काम कराता है। ठीक है, थैंक यू। आप तो सोच रहे होंगे कि मैं आपकी इतनी बड़ी गवर्नमेंट पोस्ट का नाजायज फायदा उठाती हूँ, लेकिन आप हमेशा मेरी इतनी मदद करते हैं, मुझे आप पर गर्व है। डोंट वरी, हो जाएगा। ओके, बाय। पुलिस मेरे पीछे पड़ी है, सौदामिनी गिरफ्तार हो गई, कुछ समझ में नहीं आता कितना और भागूंगा मैं। उधर मेरे बाप ने जेल में आत्महत्या कर ली है। इस चंद्रिका दुबे को तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले अपने इस जंजाल से अपने आप को बचा लूं, छोड़ूंगा नहीं उसे मैं। देखो इन्फॉर्मेशन सही है, वो यही है, बच के नहीं जाना चाहिए। क्या रे, तू छुट्टन है ना? अरे साहब, मेरे को साहब, मैंने किया क्या है साहब? चल चल, तू दो दिन अंदर रहेगा ना, सब बाहर निकलेगा तेरा। अरे लेकिन मेरा गुनाह क्या है साहब? मेरा गलती तो बोलो साहब। क्या रे, लड़कियों का धंधा करता है? अरे मैं क्या किया साहब, देखो मैं पुलिस में जाके साहब। पुलिस? हम लोग गुंडे दिख रहे हैं क्या? चल। सौदामिनी, अब तो तुम्हें मुझ पर भरोसा होगा। मैं तुमसे आज एक बहुत जरूरी बात करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम पढ़ लिख कर अपने पैरों पे खड़ी हो जाओ। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। तुम यही सोच रही हो ना कि तुम इस उम्र में कैसे पढ़ोगी? आजकल तुम्हारे जैसे लोगों के लिए भी बहुत सारी सुविधाएं हैं पढ़ने लिखने के लिए। मतलब मैं अभी और पढ़ लिख सकूंगी? हाँ, क्यों नहीं, बस मेहनत करनी होगी। करोगी ना? मतलब मैं भी और लोगों की तरह नौकरी कर सकती हूँ? हाँ सौदामिनी, कर सकती हो। मुझे पता है कि तुमने जिंदगी में बहुत सारे दुख झेले हैं। Thank you.
लेकिन अब वो वक्त आ गया है आगे देखने का, पीछे मुड़कर नहीं देखना तुम्हें। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम समझ गई? बस हिम्मत रखो और मेहनत करो। मैं पढ़ूंगी। सौदामिनी, मैंने तुम्हें जो किताब दी थी पढ़ने के लिए, वो कैसी लगी? ये रही, बहुत अच्छी लगी। अच्छी लगी ना? अच्छा। और एक किताब दूं पढ़ने के लिए? कहानियों वाली है? हाँ। अब मुझे बताओ कि तुम्हें कौन सी कहानियां अच्छी लगती है? मुझे रुको रुको रुको, मैं बोलूं? राजा रानी वाली, राइट? सौदामिनी, एक बार फिर घूमने चलते हैं। हम पिछली बार गए थे ना मंदिर में, कैसा लगा था? मुझे बहुत अच्छा लगा था। और चलते हैं? मुझे नदी का किनारा भी बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है? और क्या अच्छा लगता है? और आप मुझे वहाँ वो वाली आइसक्रीम खिलाएंगे? अच्छा, आइसक्रीम खाओगे? हाँ बोलो ना, शर्माती क्यों हो? तुम जब हंसती हो ना तो बहुत अच्छा लगता है। तीन साल तक सौदामिनी अपने सदमे से निकलने की कोशिश करती रही, पर आखिर उसे चंद्रिका दुबे के प्यार से और पीयूष के सहयोग से एक नई जिंदगी जीने की दिशा मिली। समाज से छुपकर चलने वाली सौदामिनी ने समाज के साथ साथ चलने का फैसला कर लिया। सौदामिनी, एक बात कहूं? तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ? नहीं नहीं, डरने की कोई बात नहीं, तुम्हारी दीदी से मैं बात कर लूंगा। ठीक है? ठीक है तो खुश हो? पीयूष, तुम सौदामिनी से शादी करना चाहते हो? जी हाँ मैडम। तुमने अच्छी तरह से सोच लिया है? मैंने बहुत अच्छी तरह फैसला किया है कि मैं सौदामिनी से शादी करूंगा। और तुम ये भी जानते हो कि उसने किस किस्म की जिंदगी बिताई है, उसके बारे में तुम सब कुछ जानते हो। अगर तुमने फैसला कर ही लिया है तो उसे निभाना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि सौदामिनी की जिंदगी में और कोई भी दुख आए। नहीं मैडम, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो खुश रहे। और एक बात और पीयूष, मैं तुम्हारे फैसले से बहुत खुश हूं। मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच। यहां पर साइन करिए। अनसुनी ये नहीं रहेगी, दहाड़ अब गूंजेगी, एक से अधिक बन जाएगी, फिर ना कभी थमेगी।
स्वरूप।